चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस अ न्यू मशीनरी इनटू हिज फैक्ट्री विद द रिजल्ट दैट प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज्ड। द वर्कर्स वर पेड बाय रिजल्ट एंड इट्स इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। अगर किसी की परफॉर्मेंस में 2% का इंक्रीज होगा तो 1% वेजेस दिया जाएगा। At the time the machinery is installed, the selling price of the product falls by 81.3%. Show the net saving in the production cost, which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to the worker. Okay, ये इन्होंने बताया कि ये first period की details हैं और ये second period की details हैं। जब मशीनरी इंस्टॉल करी तो इन्होंने इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है। चलिए करते हैं इसको। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पीरियड में प्रोडक्शन हो रहा है वो देखिए कितना है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 16,800। ऐसे इसको फर्स्ट पीरियड की जगह यहां कर दो ना, ये फर्स्ट पीरियड हो गया और ये सेकंड पीरियड हो गया और यहां पर है 14,000। एंड नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? यहाँ 175 है, यहाँ 125 है, ठीक है ना। तो यूनिट पर वर्कर अगर मैं देखूं तो 16,800 डिवाइडेड बाई 175 ये 96, 14,000 डिवाइडेड बाई 125 तो ये 112, ठीक है ना। That is additional increase in output वो हो गया मेरा 112 माइनस 96, 16 यूनिट। परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट (16:3%), ठीक है ना। चलिए अब मैं देखता हूं कि जो मेरी वेजेस थी ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। वेजेस जो थी यहां पर थी 33,600, वेजेस इन सेकंड पीरियड कितनी होनी चाहिए? 33,600 जो थी वो मेरी 175 वर्कर के लिए थी, तो 125 वर्कर के लिए हमारी कितनी होगी? 24,000, ठीक है। प्लस चूंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है तो इन्होंने ये बताया है कि हर एफिशिएंसी इंक्रीज होने पर बोनस दिया जाएगा। बोनस और एक्स्ट्रा वेजेस वो हमारी 16:3% का 1/2
इंटू 24,000, तो ये 2,000 रुपये, ठीक है ना। चलिए अब हम लिखते हैं सेल। इन फर्स्ट पीरियड ये हमारी थी 75,600, तो सेल इन सेकंड पीरियड क्या होगी, 75,600 हमारी 16,800 यूनिट के लिए थी, तो 14,000 में होगी 63,000। अब इन्होंने बोला है कि डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी डिक्रीज हुई है 63,000 इंटू 8.33%, 5,250 रुपये से। तो देखिए सेकेंड ईयर में हमारे पास एक तो हमारी ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया, तो बेसिकली टोटल लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर एंड डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, दो हजार प्लस 5,250, 7,250, ठीक है, ये हमारा लॉस हुआ है। इन्होंने देखिए ये क्या पूछा था, सो द नेट सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट विच वुड बी रिक्वायर्ड, ये यहीं पर घुमा दिया इन्होंने। अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आप कहेंगे कि सर यहां तो सेविंग नहीं हो रही, यहां तो लॉस ही हो रहा है। वो ये कह रहा है कि कितनी सेविंग करनी है मुझे इस लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है ना, तो कितनी करनी है, तो अमाउंट तो बताओगे ना, तो लिखोगे सो टू ऑफसेट दिस लॉस सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट मस्ट बी ₹7,250। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए ये पॉइंट को, हमें सेविंग कितनी करनी है जिससे कि हमारी जितने की लॉस हो रही है वो बराबर हो जाए, ठीक है ना। वुड बी रिक्वायर्ड, दैट वुड बी रिक्वायर्ड, मैंने बोल्ड कर दिया इस चीज को, आई थिंक सो क्लियर हो गई पॉइंट, थैंक यू वेरी मच।